Good morning, students. Welcome to Maths class, Standard 4. We will continue our chapter 9, halves and quarters. Halves and quarters में कल previous period में solve the problems किए थे. आज हम filling the blanks start करते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है half of a half is four. Half का भी half. जैसे हमारा first chapter जैसे start होता है, तो chapter जब start होता है, तब उसमें बताया हुआ था कि कैट और मंकी की फाइट वाला, तो उसमें मंकी रोटी का हाफ पार्ट करता है, दैट उसका भी हाफ पार्ट कर देता है. तो कितना पार्ट होगा हाफ का भी हाफ? तो आपको ऐसा लगेगा कि हाफ का भी हाफ, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा कि हाफ का भी हाफ मतलब वन पार्ट ही रह जाएगा. फुल जो होते हैं फोर्थ पार्ट, उसका हाफ दैट मीन्स टू पार्ट, एंड उस हाफ का भी हाफ दैट मीन्स वन पार्ट ही रह जाएगा. तो यहाँ पे आंसर आएगा Water. फिर नेक्स्ट फिलिंग का ब्लैंक लिखते हैं हम कि टू पार्ट आउट ऑफ फोर, टू पार्ट आउट ऑफ फोर, टू पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट ऑफ स्ट्रेट, इक्वल पार्ट टू पार्ट आउट ऑफ अ फोर इक्वल पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट में, ऑफ अ स्ट्रेट में. बस मतलब टू पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट में. कोई भी स्ट्रेट है, हमने आज जो टेक्स्ट बुक में था कि आपको खुद एक थ्रेड लेनी है और उसमें आपको लाइन खींचनी है कि पूरी 1 मीटर की लो, फिर उसमें से हाफ पार्ट करो और उसका हाफ पार्ट करो, तो कितना हो? तो सेम हियर की 1/4 टू पार्ट आउट ऑफ फोर, इसका मतलब क्या है? टू फोर्थ हो गया ना. टू पार्ट आउट ऑफ फोर मतलब टू फोर्थ एकदम सिंपल सा आंसर है. टू पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट, तो यहाँ पे टू फोर्थ हो गया. या फिर आप इसे क्या कैसे लिख सकते हो, इस तरह से हाफ और हाफ, आप ये दोनों लिख सकते हो टू पार्ट आउट ऑफ फोर. अदरवाइज आप इस तरह से भी लिख सकते हो हाफ मीन हाफ, मतलब फोर है उसका हाफ कितना हुआ टू, तो टू फोर्थ भी लिख सकते हो और उसका इस तरह से हाफ भी लिख सकते हो. दोनों तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो. थ्री नंबर है आपका थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट, थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट ऑफ अ थ्रेड में, ऑफ में. तो यहाँ पे भी सिंपल सा है, थ्री पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल मतलब थ्री फोर्थ. क्या आएगा आंसर आपका? थ्री फोर्थ. ओके, थ्री पार्ट है इसके, फोर में से थ्री पार्ट, दैट मीन्स थ्री फोर्थ आएगा ना आंसर. वे नेक्स्ट है वन पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट, वन पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट, फोर इक्वल पार्ट ऑफ अ पेपर में, ऑफ अ पेपर मीन्स क्या? ओके, तो वन पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट ऑफ अ पेपर मीन्स, आपको यहाँ पे पेपर लिखा है, कुछ भी लिखा है, वो
होल पार्ट एंड पार्ट ऑफ होल, है ना, होल पार्ट एंड पार्ट ऑफ होल। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि एग्जाम्पल आपके अभी मार्कशीट है तो 25 मार्क्स की, अगर 25 में से आपके कितने हैं, तो सेम हियर 4 में से कितना पार्ट, तो 1, दैट मींस 1/4। ओके, क्या आएगा 1/4। तो ये हो गई हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हम करते हैं कि जैसे एड एंड सबट्रैक्ट, एड एंड सबट्रैक्ट, तो यहां पे हम नेक्स्ट करते हैं एड एंड सबट्रैक्ट। ये इजी है बट कराना जरूरी है, अदरवाइज आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट है, जैसे मैं करती हूं कि 1/4 + 1/4 = सेकेंड 3/4 - 2/4 = ओके, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है। तो अभी इसको प्लस करना है, एड एंड सबट्रैक्ट, मैंने हमारा जो टॉपिक क्या है एड एंड सबट्रैक्ट, तो 1/4 + 1/4, तो क्या करना है, आप क्या लिखोगे, 1 + 1 = 2 एंड 4 + 4 = 8। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज आपकी रॉन्ग हो जाएगी। पार्ट जो है वो सेम के सेम ही रहेगा, नीचे का जो है 4 वो 4 ही रहेगा, सिर्फ हमें ऊपर के जो नंबर है उसे ही ऐड या सबट्रैक्ट करने। तो यहां पे 1 + 1 = 2/4, आंसर क्या आएगा 2/4, आंसर क्या आएगा 2/4। हमें सिर्फ ऊपर वाले ये जो है वो फिक्स ही है, जैसे हम अटेंडेंस लेते हैं क्लास में, आप आते हो ओके, तो क्लास में स्ट्रेंथ है हमारी 32, कितनी है 32 तो सेम ही रहेगा ओके, बट डेली कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं, डेली कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो हमें लिखना होता है कि हाउ मेनी एब्सेंट और हाउ मेनी प्रेजेंट्स। ओके, तो 32 तो सेम ही रहेगा, 32 एवरी डे का सेम ही रहेगा, उसमें से 4 स्टूडेंट एब्सेंट है, 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, 32 में से कितने माइनस होते हैं वही चेंज होता है, या कितने ऐड होते हैं वही चेंज होता है, बट नीचे का 32 का 32 ही रहेगा। ओके, जैसे कल क्लास में रहे 20 स्टूडेंट आए थे, बाकी के 12 स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि 20 / 30, यहाँ का जो 32 है अटेंडेंस से कोई स्ट्रेंथ जो है वो चेंज नहीं होती। डेली का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम, जो एब्सेंट होते हैं तो वो कम होते जाएंगे, कि आज 32 में से 30 ही आए, 32 में से 28 ही आए, 4 एब्सेंट है, तो वो चीज़ें चेंज होती रहती है, बट नीचे का जो क्वेश्चन है 32 कभी चेंज नहीं होगा। सेम किया यहाँ पे भी 4 जो है, जैसे हम डेट लिखते हैं आपने देखा होगा डेट चेंज होती है, ईयर चेंज होता है डेली नहीं, ईयर है जो 2020 है तो है, जब तक वो पूरा ईयर कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो चेंज नहीं होने वाला, 2020 तो वो 20 ही रहे। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है जिसकी वजह से आप वो जो मैं मेन चीज कहने जा रही हूँ वो आप समझ पाओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्क्स का हुआ, अटेंडेंस हुआ, ओके, तो वो सेम का सेम रहता है, सिर्फ ऊपर के नंबर है वो चेंज होते रहेंगे, जैसे यहाँ पे डेट चेंज होती रहती है। ओके, तो माइनस करना है, यहाँ पे प्लस है, तो 1 + 1 = 2 एंड 4 + 4 नहीं करना है, सीधा 4 ही लिखना है, अगर आपने इस तरह से लिखा तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे 3/4 - 2/4, तो 3 - 2 ही करना है, तो आंसर क्या आएगा 1/4, क्या आंसर आएगा 1/4। ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप लिख लीजिए, मैं दूसरे हम ऐड सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, रब करते हैं, नेक्स्ट करेंगे अभी हम करते हैं जैसे 1/4 - 3/4 = 4/4 - 2/4, फिर 4/2/4 + 2/4 = 5/4
टाइप का रब करेंगे, एकदम सिंपल सा इजी सा, बट आपको समझना जरूरी है। ओके, ये रब करते हैं। सेकंड नंबर का सॉल्व प्रॉब्लम्स करते हैं। वन केजी टोमेटो कॉस्ट इज in a class there are 40 students in class there are 40 students then 40 students 3/4 part of them fail in math.
क्वेश्चन यहाँ पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन ये वेजिटेबल से थोड़ा सा बाहर गए. ओके इन क्लास देर आर 40 स्टूडेंट्स थ्री फोर्थ पार्ट ऑफ देम पास इन मैथ्स सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स. ओके टोटल क्लास में 40 स्टूडेंट है उसमें से थ्री फोर्थ पार्ट स्टूडेंट क्या है कि पास हो गए एंड वन फोर्थ पार्ट स्टूडेंट फेल हुए. दैट मीन्स कितने स्टूडेंट फेल हुए तो यहाँ पे जो पीछे जो हमने किया ना कि ये थ्री फोर्थ फोर्थ टोटल है उसमें से थ्री फोर्थ पास हो गए. ओके दैट मीन्स बचे कितने वन फोर्थ फेल हुए. हमें फाइंड क्या करना है हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स. हमें पता है कि पास कितने तो फेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है. तो अगर हम सीधा इस तरह से कर करते हैं कि इफ टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 40 सो थ्री फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच तो पहले थ्री फोर्थ का निकलेगा फिर उसमें से हमें 40 माइनस जो आंसर आता है वो माइनस करना पड़ेगा तब हमें ये आंसर मिलेगा. उससे बेटर हम क्या है कि हम पहले इस तरह से फोर्थ फोर्थ माइनस थ्री फोर्थ मतलब होल पार्ट कौन सा है फोर्थ फोर्थ जो होता है वो पूरा पार्ट. ओके मतलब 40 स्टूडेंट्स है उसमें से माइनस हमें थ्री फोर्थ करें तो वन फोर्थ हुआ. अभी हम सीधा इस तरह से कर सकते हैं कि इफ टोटल स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40 सो वन फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच. ओके उसका वन फोर्थ पार्ट करते हैं तो 40 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4 तो कितने हो गए 40 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 4 की टेबल में 40 कब आता है 10 4 10 जा 40 दैट मींस कितने स्टूडेंट फेल है 10. तो यहाँ पे सीधा निकल जाता है. मैं यहाँ पे ये राउट करके आपको ये चीज बताती हूँ कि ये करने का मेन पॉइंट क्या कि ये क्यों करना है वो मैं बताती हूँ इस साइड का राउट करके. ओके स्टेटमेंट लिख देते हैं सो 10 स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स 10 स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स. ओके अभी यही सब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ नेक्स्ट सेकंड मेथड. ओके ये इस तरह से भी कर सकते हैं दूसरी तरह से भी कर सकते हैं वो मेथड मैं बता रही हूँ. ओके मैं इस टाइप का राउंड कर रही सेकंड मेथड ये जो है इसका ही है. ओके इसका ही मैं मेथड बता रही हूँ कि हम इस तरह से भी कि इस टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 40 फिर कितने हैं थ्री फोर्थ पार्ट कितने हैं सो थ्री फोर्थ पार्ट जो हमें यहाँ पे दिया हो थ्री फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच फिर हमें क्या करना पड़ता 40 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4 4 3 जा 12 कितने 12 और ये 0 120 डिवाइड बाय 4 अभी 4 4 डिवाइड बाय 120 करना पड़ता है यहाँ पे हमें 4 डिवाइड बाय सीधा 40 करना पड़ता है 3 4 3 जा 12 एंड 0 का 0 दैट मीन्स 30 तो 30 हुए. अभी हमें क्वेश्चन क्या है कि हमें ये पता चला कि 40 में से 30 स्टूडेंट ये क्या है 30 स्टूडेंट पास. ओके पास अभी हमें क्या करना पड़ता है कि 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10
यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि 3/4 का पहले निकालोगे, इफ टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 40, ये सेकंड मेथड ऑफ कर सकते हो। ओके तो ये चैप्टर में यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच।